बोर्ड एग्ज़ाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है, या दोनों में से अगर आप किसी एक में फ़ेल होते हैं तो आगे क्या होगा? आइए समझते हैं इस चीज़ को। पहले क्या होता था कि अगर एक कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो उसे सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम देना होता था जिसमें वो पास नहीं हो पाया है, और जो भी उसके प्रैक्टिकल मार्क्स होते थे, प्रैक्टिकल के मार्क्स होते थे, वही आगे चलते थे। और अगर स्टूडेंट प्रैक्टिकल में फेल हो जाता था तो उसे दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ता था, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी, चाहे वो भले से थ्योरी में पास ही क्यों ना हो गया हो। ये पहले ऐसे होता था। अब देखिए, इसे अमेंडमेंट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो बदलाव ये किया गया है कि अगर कैंडिडेट जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो उसे सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा जिसमें वो पास नहीं हो पाया है। तो बदलाव क्या हुआ? बदलाव देखिए नीचे वाले में है। इन केस स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है तो उसे अब से सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ही अपीयर होना पड़ेगा, और अगर वो थ्योरी में पास हो गया है तो थ्योरी के मार्क्स वही रहेंगे और प्रैक्टिकल में ही सिर्फ उसे दोबारा से अपीयर होना पड़ेगा। जबकि पहले ये होता था कि आप अगर प्रैक्टिकल में फेल तो पूरा ही फेल हैं, यानी कि थ्योरी का भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल का भी देना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था। अब सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल में आप पास हैं तो प्रैक्टिकल में पास माने जाएंगे, थ्योरी का एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना होगा, और अगर प्रैक्टिकल में फेल हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल का ही एग्ज़ाम देना होगा, थ्योरी का नहीं। इसके अलावा देखिए, अगर स्टूडेंट एब्सेंट है प्रैक्टिकल में तो वही बात हो गई कि उसे प्रैक्टिकल में एक तरह से दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा।